जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके पसंदीदा तरीन प्रोग्राम पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज़ के सीज़न 2 एपिसोड 1 के साथ आपका मेज़बान फहद नवाज़ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, मेरे टॉक शो और मेरे प्रोग्राम की और मेरी पूरी टीम की, जो मेरा पूरा क्रू है, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने प्रोग्राम में इनोवेशंस लाएं, जिद्दत लाएं और यूनिक आइडियाज़ जो हैं वो आपके सामने पेश करें और अपने इस प्रोग्राम की बढ़ती हुई मकबूलियत को, जो कि 105 ममालिक में देखा जाता है थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, वहाँ से मुझे रेगुलर बेसिस पे फ़ोन आते हैं कि सर आपका प्रोग्राम पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और जैसे ही आपका प्रोग्राम का टाइम होता है हम लोग अपने काम छोड़ के आपके प्रोग्राम के आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ऑल क्रेडिट गोज टू माई टीम एंड स्पेशली आई वुड से जो गेस्ट हमारे होते हैं, इनफैक्ट हमने इनको कभी गेस्ट नहीं कहा, वो हमारे अपने ही हैं। तो उनमें आज एक बहुत ही यूनिक किस्म की गेस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इंट्रोड्यूस तो खैर वो वर्ल्ड वाइड हैं, ग्लोबली हैं, लेकिन आज आपके सामने उनको लाइव मैं पेश करना चाह रहा हूँ। फैशन की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम, ज़्यादा आपको मैं वो नहीं करूँगा, थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए। मॉडलिंग की दुनिया में एक बहुत ही ऊंचा नाम, नन अदर देन मारिया शेख। जी नाज़रीन, मारिया शेख आज हमारे साथ हमारे चैनल पे मौजूद मेरे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फहद, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके सामने बिल्कुल खैर वाकई से जी। तो कैसा सरप्राइज रहा आज आप? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग सरप्राइज था, बिल्कुल एकदम आपने बताया ही नहीं और मैं मार्केट्स में थी, आप एकदम आए, काशिप ने भी मुझे बताया और एकदम आप आए और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। थैंक यू जी। तो आपका ख्याल है कि ये राज और नियाज जो होते हैं सिर्फ ख्वातीन में होते हैं, ये मर्दों में नहीं हो सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मर्दों में भी होते हैं ऐसे। वैसे ज़्यादा मैं बात करूँ, ख्वातीन में इतने राज नहीं होते, मर्दों में भी वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये राज नहीं था, ये तो बेसिकली इनफैक्ट सरप्राइज था। जी बिल्कुल जी, और आपकी आदत है अक्सर आप सरप्राइज देते रहते हैं जी, और आपके सरप्राइज बड़े अच्छे लगते हैं और हमेशा ऐसे रहते हैं जी। जी अच्छा मारिया, शोबिज़ के और भी बहुत सेगमेंट हैं, लाइक एक्टिंग है, लाइक कोरियोग्राफर आप आ सकते हैं, लाइक क्योंकि आप, मैं आपको पिछले बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत स्ट्रगल की है। जी ऐसा ही है। तो स्टेज भी है और भी सिंगिंग भी है, बट आपने जो मतलब मैंने 22 साल कैरियर में देखा है अपनी सहाफत के, शोबिज़ की 22 साल कैरियर में देखा है कि मॉडलिंग इज़ वन ऑफ द टफ सेगमेंट कंसीडर किया जाता है शोबिज इंडस्ट्री में। जी तो इतना टफ सेगमेंट चूज करने की क्या वजह क्या थी, क्या फैक्टर्स थे उसके पीछे जो आपने इतना हार्ड और इतना मुश्किल जो है वो आपने सेगमेंट को चूज किया? मॉडलिंग एक्चुअली मेरा एक पैशन है, पैशन था, मैं मुझे शौक था मॉडल बनने का। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि अभी और भी काफ़ी चीज़ें थी, आप जैसे एक्टर बन सकते थे, कोरियोग्राफर भी बन सकती थी, ठीक है एक्टर भी बन सकती थी, लेकिन मुझे मॉडलिंग पसंद थी ज़ाती तौर पे अपने, कि मैं एक मॉडल बनूं। और मॉडलों का एक ये चीज़ है कि एक हट कर उनकी जो लुक होती है, जो उनकी जो ब्यूटी होती है, जो स्टाइल होते हैं, वो चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगती थी और मैं भी कहती थी कि मैं भी इनकी तरह इसी तरह ही रहूं और इसी तरह ही लगूं, इसलिए फिर मुझे वो मॉडलिंग में आने का शौक था और मैं मॉडल बनी। और मेरा ख्याल है कि आपके इस कैरियर को डेवलप करने में काशिफ साहब को बहुत हाथ है, उन्होंने हर जगह पर बहुत सपोर्टिव रोल प्ले किया है आपके लिए, मतलब आप अब्रॉड भी गई हैं, वर्ल्ड वाइड आपने पाकिस्तान का सब हिलाली परचम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आपने रोशन किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और काशिफ वाकई उनका बहुत मेन रोल है और उनका बड़ी बैक फीड है मेरे पास साथ उनकी, और वाकई मैं काशिफ के होने से ही मैं आज इस मकाम पे हूँ, वाकई उनका नाम है कि उनकी बैक थी मेरे साथ, उनकी सपोर्ट थी मेरे साथ और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो अच्छा, यूजुअली पूछा जाता है कि आप किससे इंस्पायर होकर
कोई तो इंस्पिरेशन होगी ना आपकी कि जी ये मॉडल मेरी मतलब एक आइडियल थी या इससे इंस्पायर होके मैंने मॉडलिंग में कदम रखा है, तो कौन सी ऐसी मॉडल हैं? या एक तो मेरी फेवरेट थी आमना हक जो थी, अच्छा, जी बहुत अच्छी मॉडल थी, बहुत उनका स्टाइल एक था। अभी रिसेंटली अभी मैं भी शायद हैं जो उनसे, ठीक है, और सबा कमर हैं जिसका मैं इनको देख के मैं इंस्पायर बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा मरी, आप हैं लाहौर में जी, और मॉडलिंग स्कोप जब से कोविड आया जी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐसे तमाम शोज़ जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो ऐसे में इतनी टफ सिचुएशन में आप किस तरह, मतलब कराची में इवेंट्स होते हैं बट वो भी आप उसके नहीं होते, उस मतलब कहना चाहिए कि इतनी उसमें तादाद में नहीं होते, तो वे स्क्वीज होते गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आप किस तरह सर्वाइव करती हैं? अब बल्कि अब तो आप किंग मेकर बन चुकी हैं जी, आप मॉडलिंग करवाती भी हैं मेल फीमेल बच्चों बच्चियों को, उनको रमूज़ औकाफ़ बताती हैं कि, तो ये किस तरह आप वो करती हैं, अपने आप को स्टेबल करती हैं और किस तरह अपने आप को मेनटेन रखती हैं? मैं इसका मेनटेन रखती हूँ कि थोड़े वक्त में मैं जिस तरह कोविड में थे घर में थी, मैं अपना मतलब कि जब जिन दिनों में कोविड बहुत ज़्यादा अब था, तो मैं उन दिनों में घर में ही अपना लेकर उस चीज़ को सोचती थी कि अब मैं इस तरह फ्री नहीं बैठना चाहती, या कोई मोबाइल पे लगा के कुछ चीज़ देखना या उसको मेंटेन रखना, उनको चीज़ों पे वर्क कर रहा, तो वो मैं चीज़ें मैंने नहीं छोड़ी, उनको उस स्टेबल रखा मैंने, कॉन्टेक्ट में रही सबके साथ ताकि ये जो चीज़ें कम ना हो जाए मेरी, मतलब कि कोई सेहत पे असर ना हो या मेरे डाइट पे कोई असर ना हो, मैं अपने मतलब फ़िटनेस में ध्यान दूँ, इस तरीके से मैंने सारा मोबाइल पे यूट्यूब पे देख के या किसी चीज़ पे करके तो मैंने उसको हैंडल कर रखा अपने। अच्छा, आपको मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ और आप एज इट इज़ वैसी की वैसी हैं, तो ये इतनी फिटनेस का जो ये कुछ सीक्रेट हमें भी बताएं ताकि हम भी हमारे नाज़रीन जो हैं वो देख सकें और आपसे इंस्पिरेशन लें, क्योंकि आप ऑल्दो के आप इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे लोगों की जी जी। तो ये फिटनेस जो है ये क्या इसका राज है? क्या खुश रहना, कोई डाइट या एक्सरसाइज वगैरह इस तरह की चीज़ें? मैं वाकई ज़्यादातर खुश रहती हूँ बहुत ज़्यादा, वो तो मुझे पता ही है ये चीज़ है। बाकी रही डाइट की बात, डाइट में जिस तरह के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाती मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ लग रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा नहीं है कि मैं वो हिसाब से खाऊं, ये सिर्फ राइस कम खाती हूँ, पराठा नहीं खाती ज़्यादा जल्दी, मतलब इस तरह मैं अपनी कॉफ़ी वगैरह ये चीज़ें मैं लेती हूँ साथ साथ, बाकी मेरी नॉर्मल रूटीन में वही खाना है। दोपहर में मेरा थोड़ा सा है कि दोपहर में मैं कम खाना खाती हूँ, सैलड वगैरह जैसे ले लिया वो चीज़ों से बस करती हूँ जी जी। और बाकी मेरी जिम भी है, जिम साथ ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, जिम के बारे में आपसे बाद में पूछेंगे और जिम के बारे में पूछेंगे जी, उससे पहले नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक पे हम आपने अच्छा हटा नहीं है और मुझे पता है हटेंगे भी नहीं क्योंकि मारिया जैसी मॉडल हमारे साथ मौजूद है, तो डोंट गो अवे एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक विद इन 2 मिनट्स। वेलकम नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हमें मारिया अपनी फिटनेस के बारे में बता रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि जिम और जिम के बारे में बताया, तो मैंने आपसे कहा था कि डोंट गो वे और मुझे पता है कि आप सब लोग स्क्रीन के आगे बैठे हैं, तो आइए हम मारिया से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिम एंड जिम। जी मारिया जी, आप जिम के बारे में बता रही थी। हाँ जी, मैं जिम के बारे में ये बता रही थी कि मैं अपनी फिटनेस का जिम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि अपनी डाइट का, अपनी जिम का, अपनी फिटनेस का, कि ये चीज़ें मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा काउंट की जाती हैं। बिल्कुल जी, आपकी फ़िटनेस नहीं होगी मॉडलिंग में जितनी, आप उतना मतलब के काम करते जाओगे, अब थोड़ा सा जहाँ पे आपने अपनी डाइट छोड़ी तो मॉडलिंग में आप बिल्कुल आउट होते जाएंगे, तो इसलिए मैं अपनी जिम के लिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ फिटनेस पे। तो जी इसीलिए आपने जिम को जिन का नाम दे दिया क्योंकि आप इसको बहुत टाइम देती हैं। जी बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, स्पेशल एक टाइम मैंने बनाया हुआ कि वो मैंने ज़रूर लाजमी करना है। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आप
यूजली फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और जूसेस का बहुत यूज करती हैं। जी बिल्कुल। और फैट वाली चीजों से आप बहुत दूर रहती हैं। बहुत दूर रहती हैं बिल्कुल। तो ये हमारे यंग जनरेशन को बताइए, जो जंक फूड्स हैं और इस तरह की चीजें हैं, कम से कम इससे अवॉइड करें। वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, हो गया कभी कभी तो, लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अता फरमाए हैं, तो हमें उनकी अफादियत का पता होना चाहिए। ये आप अगर बताएं, क्योंकि आप पब्लिक स्लैब हैं। जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो आपका घर का खाना है ना, आप वो ज़्यादा रिकमेंड करें, खाएं बाहर के और क्या नाम है, खाने छोड़ दें खाना, और आप घर के फ्रेश जूसेस पिए, वो भी घर वाले, ठीक है। और दोपहर को आप सैलड लें और लाइट सा आप खाना खाएं, ज़्यादा हैवी वाला भी खाना ना खाएं आप, ठीक है। और आप अपनी डाइट पे ध्यान रखें। और जो ये जंक फूड है ना, ये बहुत ज़्यादा फैट करते हैं, ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। खाएं लेकिन कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये चीज़ें अवॉइड करें और घर के लिए घर का खाना ज़्यादा खाएं। जी अच्छा, आप स्पाइसी खाना ज़्यादा यूज़ करती हैं घर में, या आप मतलब ब्लैक पेपर में और हल्का सॉल्ट? नहीं, मैं स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ खाना। ये तो फिटनेस के बिल्कुल ही ऑपोजिट चली जाती है। नहीं, मैं फिटनेस रखती हूँ लेकिन मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ। लेकिन आप वो टिपिकल लाहौर की है ना, तो इसलिए लाहौरी तो भाई मिर्च मसाले के बगैर रह नहीं सकते। जी आप बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे स्पाइसी ना खाऊँ तो मुझे बड़ा वो अजीब ऑकवर्ड फील होता है। इस मामले में काशिफ से डांट नहीं पड़ती? नहीं, काशिफ नहीं डांटते, और उनको पता है एक जो चीज़ पसंद है वो खाती है। वो भी अब शरीफ आदमी हैं, यूज्ड टू हो गए हैं स्पाइसी खा के। नहीं, वो मुझे मना तो करते हैं हर चीज़ से कि आपके लिए ये चीज़ सही क्या है, आपके लिए ये चीज़ नहीं ठीक, लेकिन उनको जब पता है ना कि मैंने खाना थोड़ा स्पाइसी, खाना कम खाना होता है लेकिन थोड़ा स्पाइसी भी खा लूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टिल आई डू रिमेम्बर जी कि वे बैक आई वुड से 2016 और 17 आपको एक फोटोशूट मैंने करवाया था, और वो फोटोशूट इतना फेमस हुआ था, डू यू रिमेंबर दैट मारिया, कि वो आपकी बहुत बड़ी जो है वो एक ब्रांड की जो वो पिक है, ब्राइडल ब्रांड की, वो फोटोज में बहुत ऐसा तकरीबन एक साल जो है वो लगी रही थी और लोगों ने बहुत उसको मतलब वो किया था, लाइक किया था, और आप मतलब आपको भी फ़ोन आए थे और मुझे भी फ़ोन आए थे। जी मुझे याद आ गया, जिस ब्रांड की बात कर रही हूँ वो हुमायूं कलेक्शन की बात कर रहे हैं आप जी। अब मुझे ऐसा वो तो याद नहीं, मुझे हम मारिया जरूर याद है। जी बिल्कुल, वो उनकी काफ़ी मुझे बैकफीड मिली थी और काफ़ी फोन आते हुए और पूरे एक साल तक लगी रही, और बड़ा अच्छा उसकी वजह से मुझे रिस्पॉन्स भी मिला, उस वजह से भी। अच्छा, उस वजह से मिला, जिसने वो शूट अरेंज किया उसकी वजह से नहीं मिला? नहीं, आपकी वजह से। तो पहले मैं आपको कहती हूँ कि माशाल्लाह आपकी वजह से मेरा आज इस मीडिया में, इस मॉडलिंग में मकाम है, ऐसी बात नहीं मारिया। आपने माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल की है, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल वो नहीं करूँगा कहने में कि आप जिन फेजेस से गुजरी हैं, और काशिफ को भी मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने आप के साथ शोल्डर टू शोल्डर चले हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे, और यूं ही आप लोग ये अंडरस्टैंड डे बाय डे और डेवलप हो। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि जब तक आप लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। जी ऐसे ही बिल्कुल। तो उस शो में भी मुझे याद है कि काशिफ इतना पैशनेट था आपके बारे में कि काशिफ बिफोर टाइम ही, अभी मैं भी नहीं पहुंचा था और फोटोग्राफर्स भी नहीं पहुंचे थे, तो काशिफ आपको लेके वहां पहुंच गए थे। तो ये होती है नाज़िन, मैं आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूं कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको लाइक मारिया, देखिए मारिया एक लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठी है, इन्होंने किस तरह स्ट्रगल की है। पंचुअलिटी, आई वुड से, मैं हमेशा कहता हूँ पंचुअलिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, और वो इन्होंने करके दिखाया है, बताया है कि ये कितनी पंचुअल हैं। इवन ये कि जब अपने ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं कैटवॉक के, तो हमारे कुछ बताएं अपने कुछ इवेंट्स वगैरह के बारे में और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लीज़। जी मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी रिसेंटली इंशाल्लाह, एक तो आपने बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जी कॉन्ट्रैक्ट के बाद बताया। जी बिल्कुल ऐसे ही है,
और दूसरा अभी मेरा इंशाल्लाह कराची में एक रैंप वॉक होने वाला है मेरा, रिसेंटली ये नेक्स्ट मंथ ही, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ और नए से नए डिज़ाइन, नए से नए उसकी वॉक की जो रिहर्सल हैं, जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं अभी इंशाल्लाह, तो वो बहुत जल्दी आपके मतलब सामने आएंगे। अच्छा, यूजुअली आप किस ड्रेस डिज़ाइनर के ड्रेस जो है ना वो वेयर करना पसंद करती हैं, ये लाइक करती हैं कि या अपने आउटफिट्स जो हैं वो खुद डिज़ाइन करती हैं, सेलेक्ट करती हैं? हाँ नहीं, मुझे डिज़ाइनर वो जो हैं काशिफ जो हैं वो जो बहुत मॉडलिंग जी, जी बहुत बड़ा नाम है उनका, मुझे उनके बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और कपड़ों का जो स्टाइल है, जो नए से नए स्टाइल बनाते हैं निकालते हैं, उनका एक तो पसंद है। और कुछ बाकी ज़ाती तौर पे मेरे अपने भी डिज़ाइन होते हैं जो अच्छी सी बुटीक पे विज़िट करना, ये कौन से बुटीक पे कौन सा नया स्टाइल आया, कौन से कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, जो चीज़ तो वो चीज़ें भी मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ। अच्छा, ये अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपने थ्रू आउट मैचिंग की हुई है, मतलब ब्लैक अपना आपने आउटफिट पहना हुआ है, अपर पहना हुआ है, फिर ब्लैक ही आपके शूज़ हैं, ब्लैक ही आपकी वॉच है जी। तो ये खवातीन में ये मैचिंग का ये क्रेज़ क्यों है आखिर, कोई इसका कोई तो इसमें बिहाइंड द रीज़न होगी, कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना? रीज़न कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे मैचिंग में और ज़्यादा कोई इतने ख़ास नहीं है। और मैं ज़्यादातर मतलब कंट्रास्ट में भी जाती हूँ, कलर कॉम्बिनेशन में भी जाती हूँ, तो बस ऐसे ही बस जो मुझे चीज़ अच्छी लगी बस मैंने कहा ये। अच्छा, काशिफ आपको हेल्प आउट करते हैं ड्रेस के सिलेक्शन में? हाँ बिल्कुल ज़रूर वो करते हैं, आधी से ज़्यादा उनकी ही डायरेक्शन से मैं चलती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो खुद माशाल्लाह बहुत खुश लिबास हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो बाकी मैं अपना भी डिज़ाइन सब करती हूँ, जो मुझे जो चीज़ पता है, मैं जो चीज़ पहनूँ जो मुझे अच्छी लगे मैं वो भी पसंद करती हूँ कि मुझ पर क्या सूट कर रहा है। नाज़रीन, अभी हमें मारिया बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही हैं, सो डोंट गो अवे एनीवेयर, वी विल बी बैक राइट नाउ, क्योंकि मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमारे एड आने को तैयार हैं, इसे सो स्टे ट्यून विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो मारिया से बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी मगर वो ज़रा सीरियस नोट पे थी, और मुझे पता है कि मारिया बहुत चुलबुली सी एक लड़की हैं और वो हमेशा कोई ना कोई ह्यूमरस वे ढूंढती रहती हैं कि कहीं ना कहीं पे वो किसी ना किसी को जो है तंग करती रही। देखिए अभी भी इनकी शरारत में कितनी हंसी झलक रही है, यू कैन सी दैट। अच्छा मारिया, आपकी इसी हंसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मारिया, अब तक आप किन किन कंट्रीज़ में आपने जाके मॉडलिंग की है जी, और वहाँ के ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी हैं और इवन ये कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका रिस्पांस, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिस पे आपको खुद भी हंसी आ गई हो? जी, मैंने दुबई में, डेनमार्क में और कनाडा में जाके मैंने वॉक की है और मुझे बहुत बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पांस मिला। वहाँ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं हमारे, और हमारे जो पाकिस्तान में जो रहते हैं उनसे ज़्यादा वो लोग हमारी चाहत और वो ज़्यादा फ़ैन है हमारे। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो शरारती मारिया में ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ कि शरारती मारिया निकले वही बीच में से। जी 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 हाँ जी जी जी, मेरे साथ एक ऐसा मैं आपसे वाकया बताना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ जब वॉक कर रही थी रैप वॉक पे, तब ना मैं तो मेरी जो हील थी वो टूट गई। ठीक है, और मैं जी मतलब ड्यूरिंग वॉक, जी ड्यूरिंग वॉक बिल्कुल रैंप पे, और मैं चल रही थी तो वो मेरे स्लिप हो गई मैं और बकायदा मैं गिर गई, और मैंने जब उठी हूँ तो जब मुझे पब्लिक का कॉन्फिडेंस और क्लैप जब वापस मिली है मुझे, मैंने जूता उतारा अपना उठाकर और हाथ में पकड़ा और दोबारा वापस बैठ गई और फिर मैंने रैंप वॉक की और उसी तरीके से मैं और जी। नाज़रीन क्लैप बनता है, इतनी कॉन्फिडेंस मतलब एक लड़की में, एक टीनेज लड़की में कॉन्फिडेंस होना माइंड ब्लोइंग, ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह हमारी, ये ब्लेसिंग है आपके अल्लाह ताला की, क्योंकि आपने हमेशा जो काम किया वो क्वालिटी वर्क की है और आप हमेशा जो है वो लोगों को साथ लेके चली हैं जी बिल्कुल, ये आपकी क्वालिटी है।
और अच्छा नाज़रीन, मुझे इनका वो शो याद है, मैंने वो खुद वो शो देखा था। ये उस शो में शो स्टॉपर थी, और शो स्टॉपर की जब जो हाई हील जो है वो टूट जाए और वो स्टेज पे स्लिप हो जाएं, फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि वो उसी जूती को वेव कर रही हैं। और उस टाइम जो वो क्लैप हुई थी, मैं उस टाइम लाइव कवरेज करवा रहा था, तो माइंड ब्लोइंग, मतलब वो सीन अभी तक मेरी आंखों के सामने एज इट इज़ आता है जैसे वहाँ पे हुआ था। तो मारिया, किन कंट्रीज से आपको ज़्यादा रिस्पांस मिला है, और जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो फैशन कैट वॉक करने का, रैंप वॉक करने का? सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने पाकिस्तान में आया मज़ा। गुड जी, बी पाकिस्तानी। जी, बी पाकिस्तानी, बिल्कुल। नाज़रीन जी, बिकॉज़ इस पे भी मैं कहता हूँ कि क्लैप बनता है कि देखें, मारिया ने पूरी दुनिया घूम ली मगर पाकिस्तान आज भी उनका फेवरेट है। जी, क्योंकि हमारा अपना वतन है, अपना मुल्क है हमारा, हम जहाँ भी जाएंगे तो पहचान हमारी पाकिस्तान ही रहेगी। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे रिस्पॉन्स, जो बैक पेड़, जो चीज़ें, जो परस्तार, जो हमारे फ़ैन हैं, जो बहुत ज़्यादा चाहत करते हैं, उन पाकिस्तान में मज़ा आया। बाकी दूसरे यूरोप में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा, हम जब अपने कंट्री से मूव करते हैं उस कंट्री में, तो वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि पाकिस्तान से आए हैं। तो वो उन चीज़ों को देखने, स्पेशल अपने टाइम निकाल के अपने घरों से तुम उन चीज़ों को देखने आते हैं, करते हैं, अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं जी। अच्छा, कोई ऐसा ड्रीम जो आपका अभी तक पूरा ना हुआ हो, या कोई ऐसी आपकी खलिश तिश्नगी जिसको आप पूरा करना चाहती हूँ, या कोई ऐसी डेस्टिनेशन जिसको आप अचीव करना चाहती हूँ? मेरी कोई ऐसी बस फिल्म स्टार बनना चाहती हूँ, आप फिल्म में काम करना चाहती हूँ मैं जी। पाकिस्तानी फिल्म में? जी पाकिस्तानी। वो गंडासे वाली? नहीं 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 नहीं, वो गंडासे वाली नहीं। हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में अब इतनी अच्छी मूवीज बन रही हैं। नहीं, नो डाउट जी, प्राइवेट प्रोडक्शन है, प्राइवेट प्रोडक्शन, बड़े हाई बजट की फिल्म्स बन रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करें कि अब मैं फिल्म की तरफ भी मूव करूँ। और मुझे अपने रिसोर्सेज से ये खबर मिली है कि आप बहुत जल्द एक मूवी में आने वाली हैं, और आपकी वो फाइनल जो है वो निगोशिएशंस चल रही हैं और वो फाइनल फेज में है। आपने ये बातें बताई लेकिन मेरे रिसोर्सेज ने मुझे ये बात बता दी जी। फाहद, आप माशाल्लाह, आपकी क्या बात है, आपको सारी खबरें होती हैं जी। देखें जी, 22 साल से शोबिज़ की खिदमत ही कर रहे हैं, आप जैसे प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे जो हैं वो हम उनसे इंटरेक्ट हैं जी, बिल्कुल। तो खबर तो रखनी पड़ती है ना कि जी हमारा कौन सा स्टार कहाँ पे जा रहा है। आप पब्लिक सेलिब्रिटी हैं जी, थैंक यू। पब्लिक सेलेब हैं आप, लोग आपको चाहते हैं, तो आपके बारे में वो अपडेट्स भी जो है ना वो जानना चाहते हैं कि जी हमारी आइडियल हैं, हमारी इंस्पिरेशन हैं मारिया, तो उनके पीछे जो कामयाबी है उसका राज, नाज़रीन जैसे मैंने आपको बताया कि अनथक मेहनत है, वक्त की पाबंदी है, एक टीम बना के चलती हैं ये। अभी भी मुझे पता है इन्होंने, ये बेसिकली अब किंग मेकर बन चुकी हैं, इनफैक्ट क्वीन मेकर क्योंकि ये फीमेल हैं तो क्वीन मेकर ही हैं ये। अभी भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ट्रेनिंग देती हैं कैट वॉक। अच्छा, ये कैट वॉक का नाम कैट वॉक क्यों पड़ा? कैट वॉक का नाम कैट वॉक क्यों पड़ा? हाँ जी, क्योंकि वो जो कैट हमारी जिस तरह कैट चलती हैं उस हिसाब की वजह से जी। किस मेल पार्टनर के साथ, किसको पार्टनर के साथ आप कैट वॉक करना, या स्टेज पे आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं कि नहीं अगर मुझसे सपोज इन केस कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये संभाल लेंगे? हमारे जो पीछे जो हमारे कॉन्ट्रीडेटर होते हैं उनकी वजह से हमारा मतलब बहुत ज़्यादा, हमारे एक बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वीट और बड़े प्यारे, बड़े लविंग और केयरिंग हैं, ठीक है। तो उनके साथ मेरे एक पार्टनर है, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करती हूँ। ये मेरा नाम तो नहीं लिया कहीं आपने? जी नहीं, क्यूट और स्वीट, स्वीट तो मैं ही लग रहा हूँ मेरा ख्याल है जी। जी आप भी हैं, लेकिन हमारे जो कैटवॉक के पीछे जो बैक फीट, जो आप जो हम जितना भी जो हम अपना दिखाते हैं आर्ट जो भी, तो उनकी वजह से हमारा जो सारा जो आगे हम करते हैं तो उनकी वजह से सारा करते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, तो उनकी वजह से मैं कम्फर्टेबल फील करती हूँ जी। अच्छा जी, तो कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आपको बड़ी इरिटेशन होती हो कि नहीं यार इसको नहीं आना चाहिए, ये यकीनन मैं नहीं हुआ, किसी और का नाम बता दें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खास नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आप खुद बहुत अच्छी हैं, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब जैसा आपसे डायरेक्टर जो हैं वो डिमांड करते हैं आप उसको एग्जीक्यूट भी करती हैं जी। जी कोई अब तक
कितने अवार्ड्स जो हैं वो आपके पैनल पे हैं, कितने अवार्ड्स जो है आप विन कर चुकी हैं, और इन फ्यूचर क्या आपके जो हैं प्लान्स हैं? मैंने ये भी सुना है कि मुझे आई हैव लिसन फ्रॉम समवेयर दैट यू आर गोइंग टू डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस अ टेलीफिल्म। जी आपने सुना है, लेकिन अभी मेरा अभी ये सब कागजों की हद तक है, लेकिन रियल आपको बताएंगे, नाजीन आप खुद बताएंगी। जी मैं अभी वो मेरा माइंड बन रहा है मतलब करने के लिए। जो अवार्ड की बात रही है, बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत से अवार्ड से मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है। अवार्ड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। जी ये आपकी वो अचीवमेंट्स और हैं जो कि आपकी एफर्ट्स का आपको फ्रूट मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। जी तो अब हमारा प्रोग्राम नाज़रीन इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम की ये रिवायत रही है कि जो पब्लिक स्लैब मारिया आपकी स्लैब हैं, आपकी इंस्पिरेशन हैं, आपकी आइडियल हैं, तो मैं इनसे मैसेज ज़रूर लेता हूँ। जो भी मेरे आप जितने भी टॉक शो उठा के देख लें, मैं अपने गेस्ट से, ऑनरेबल गेस्ट से मैं मैसेज ज़रूर लेता हूँ जो आप तक कम्युनिकेट हो। तो मारिया कोई मैसेज हमारी पब्लिक के लिए, यूथ के लिए आप क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज यूथ को और पब्लिक के लिए ये देना चाह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, और बहन भाइयों से प्यार करें, और अखलाक और चाहत ज़्यादा रखें अपने दिल में, क्योंकि जिस तरह आजकल दौर जा रहा है डिप्रेशन का, टेंशनों का, तो इन चीज़ों से एक दूसरे से हेल्प से ये चीज़ें कम होती हैं। तो आप एक दूसरे की हेल्प करें, और बस ये चीज़ मैं मैसेज देना चाहती हूँ। जी नाज़रीन, बहुत प्यारा मैसेज दिया हमें मारिया ने। पेरेंट्स की, वालदैन की इज्जत करें, लोगों को हेल्प आउट करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तेआत दी है, लोगों को हेल्प करें, और क्या पता किसकी दुआ रंग लाए और आप मारिया की तरह आसमानों की बुलंदियों को छू लें, शोहरत की बुलंदियों को छू लें, और ज़िंदगी के जिस भी मैदान में कदम रखें आपको कामयाबी मिले। लेकिन उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो हमारी मारिया करती हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म होता है। मुझे पता है आप नहीं जाना चाह रहे, लेकिन मेरा डायरेक्टर और मेरा प्रोड्यूसर बहुत सख्त हैं, इसलिए मुझे आपसे इजाज़त देनी पड़ेगी। तो अल्लाह हाफिज़। बट अगले हफ्ते इसी टाइम मारिया जैसी नहीं, मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही वर्सटाइल आर्टिस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत पेश होगा फहद नवाज। देखना मत भूलिएगा पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज। अल्लाह हाफिज़।